नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सर आप सभी लोगों का आपके इस चैनल एचपी यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए साइंस का एक नया पॉइंट लेकर के आया हूं, जो गति से संबंधित होगा। गति से जो हमारा संबंधित होगा, न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में बताया था कि गति के तीन नियम होते हैं। गति के तीन नियम लोग पूछा जाता है, ये एग्जाम में बहुत सारे जगहों पर पूछा जाता है। गति के प्रथम नियम को किस नियम से जानते हैं, गति के द्वितीय नियम को और गति के तृतीय नियम को किस नियम से जानते हैं, ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको एक शानदार ट्रिक से बताऊंगा, आपको मजा आएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम उस ट्रिक पे क्या है। तो ये है न्यूटन के गति के नियम को अब याद करें एकदम ट्रिक से, ठीक है। जो हमारी ट्रिक है वो क्या है, जल से क्रिया। ये हमारी आज की ट्रिक है, जल से क्रिया। तो जल हो गया, जल का मतलब हो गया जड़त्व का नियम, गति का प्रथम नियम। इसे क्या कहते हैं, गति का प्रथम नियम। अब आपसे कोई पूछे कि गति के प्रथम नियम को किस नियम से जानते हैं, तो आपको याद रखना होगा जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी को जड़त्व का नियम, इसी के गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, ठीक है। से यहाँ देखिए लिखा है से का मतलब होता है संवेग संरक्षण का नियम। क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम, जो गति का द्वितीय नियम होता है, ठीक है। क्रिया का मतलब होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो गति का तृतीय नियम होता है। दोस्तों मैं आपको बेसिक विज्ञान भी आपको बताऊंगा, आपको मजा आएगा, बिल्कुल आसानी से मैं विज्ञान शुरुआत करूंगा बहुत जल्दी ही। उसके बाद क्लास 9th और 10th 11th 12th की मैथ भी पढ़ाऊंगा, आपको मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।